हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपको सबको पता है मैं सीएनसी ट्रेनिंग की फीस के बेहद खिलाफ हूँ। बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उस स्कीम के तहत हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल सकती है। इसके लिए आज मैंने एक वीडियो बनाया है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग विथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट के साथ अगर हमको ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो लाया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार। आपको पता है इसको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोला जाता है। इस मिनिस्ट्री के अंदर PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम की बहुत बड़ी योजना चल रही है। इसी बजट में, इसी हमारे बजट में बताया गया है, निर्मला सीतारामन ने हमें बताया था कि हमें मिस हमारे बजट में बताया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बहुत सारे ट्रेनिंग के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट उसी के अंदर आता है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि MSME टेक सेंटर हम लोग खोलने वाले हैं। तो उस MSME टेक सेंटर के तहत MSME टेक सेंटर रोहतक ने लाया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा सा CNC ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि CNC VMC ऑपरेटर प्रोग्राम, उसके बाद है CNC टर्निंग प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम है, तीसरा ड्राफ्ट्समैन का भी है। अगर आप लोग ड्राफ्ट्समैन में इंटरेस्टेड है तो आप ड्राफ्ट्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो CNC टर्निंग और मिलिंग के होते हैं, तो VMC और टर्निंग के दोनों के भी वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, ऐसा उन्होंने वहाँ पे बोला है। वहाँ पे उन्होंने कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं बोला है एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। दूसरी बात, इसके लिए आपको एज लिमिट क्या है, तो आपका एज लिमिट रहना चाहिए मिनिमम 15, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। तो आपको मिनिमम 15 एज आपका एज लिमिट है, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट के साथ। ये बहुत कम बार इसका हमें मौका मिलता है। बहुत सारी योजना है बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे तक ये योजना पहुंचती नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर हमें सर्टिफिकेशन करना है, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, सर हमें फॉरेन जाना है, डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। तो आपके पास इस ऐसा डॉक्यूमेंट 100% आपको सपोर्ट करेगा। अभी इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहनी चाहिए, आपको 10th पास रहना है और 10th पास के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मीन्स किसी शॉप में आपने काम किया है एज ए CNC ऑपरेटर या प्रोग्रामर, तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है 10th पास प्लस 1 ईयर NTC सर्टिफिकेट में मशीनिंग के लिए। आपके पास अगर मशीनिंग का NTC सर्टिफिकेट है 1 साल का, तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तीसरा क्राइटेरिया दिया है इन्होंने कि आपको कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम। आपका अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी आपने एडमिशन लिया है, 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट, डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया है और उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है उस डिप्लोमा के लिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और कोई भी नॉर्मल डिप्लोमा आपके लिए आपने ज्वाइन किया है तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत बहुत उन्होंने इजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। नॉर्मल 10th पास बनता विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस वहाँ पे जा सकता है, इससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। ओके, इसलिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखी है। एड्रेस उन्होंने दिया है हमें कि प्लॉट नंबर 1112 सेक्टर 303 TMT रोहतक हरियाणा 2124021 इनका एड्रेस उन्होंने दिया है। इस एड्रेस को आप लोग डालोगे तो भी आपको समझ में आएगा, और आप लोग इजीली गूगल पे चले जाओ और MSME रोहतक ऐसा डालोगे तो भी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, कांटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें सीधे से हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड करके देखिएगा कि ईमेल दिया है उन्होंने training.msmetcrohatak@gmail.com
tcrohatak@gmail.com ऐसा उन्होंने मेल आईडी दिया है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया है, मोबाइल नंबर दिया है +918586874010। इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉल करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और वहां पे जाके कोर्स की 100% आप लोग इसकी उपलब्धि लीजिएगा। दूसरी बात, इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 जुलाई। अगर आप लोगों ने 31 जुलाई के पहले इसके लिए एडमिशन लिया तभी भी आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको एडमिशन मिलना डिफिकल्ट है। और ऐसी संधि का, ऐसी अपॉर्चुनिटी का 100% लाभ उठाइएगा तो ही आपको यूजफुल रहेगा। ऐसी उपलब्धियाँ हमें मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, तो जल्दी से जल्दी जाइएगा, एडमिशन लीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भूलिएगा मत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।